देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ और मैं हूँ आपकी दोस्त फराह खान। बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। कुछ एक्टर्स के लिए फैंस बेताब रहते हैं, कुछ के लिए कुछ एक्टर्स इंस्पिरेशन होते हैं। आज मैं आपको उन्हीं एक्टर्स के बारे में बताऊंगी। याहू डॉट इंडिया ने 10 सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की लिस्ट जारी की है। कौन है किस नंबर पर, कैसे करते हैं प्रभावित, सब बताऊंगी आपको धीरे धीरे। मनोरंजन जगत की अगर 10 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की बात की जाए तो आपके अंदाज में इस लिस्ट में किन किन बॉलीवुड सेलेब्स का नाम होना चाहिए, ये सुनते ही आपके दिमाग में किन के नाम दौड़ने लगते हैं। चले इन सब पर ब्रेक लगाऊंगी, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 10th नंबर पर है एकता कपूर। टीवी इंडस्ट्री में एकता कपूर को कंटेंट क्वीन कहा जाता है। सीरियल्स की दुनिया में अपना लोहा मनवाने के बाद एकता बॉलीवुड और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव है। आप सबको तो पता ही होगा सीरियल में कितनी जान डाल देती हैं एकता। हर कोई उनके सीरियल्स का फैन है, लेकिन अब यही जादू बिखेरने वो आ गई हैं बॉलीवुड और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में। जी हाँ, कंगना रनौत राजकुमार राव की फिल्म जजमेंटल है क्या और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म जो बढ़िया जोड़ी को एकता कपूर ने ही प्रोड्यूस किया है। एकता अपनी डिजिटल ऐप ऑल्ट बालाजी पर 400 से ज़्यादा वेब सीरीज लॉन्च कर चुकी हैं। एकता ने अभी तक शादी नहीं की है, वो एक सिंगल मदर है। एकता सरोगेसी की मदद से माँ बनी है। अब अगर हम 9th नंबर की बात करें तो 9th नंबर पर है प्रियंका चोपड़ा। वैसे तो सब इन्हें देसी गर्ल के नाम से जानते हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा सिर्फ इंडियन सिनेमाज में नहीं, उन्होंने इंडियन सिनेमाज से दायरे को बाहर हटाते हुए इंटरनेशनल भी ट्राई किया। जी हाँ, वो एक इंटरनेशनल स्टार भी बन गई हैं। क्वेंटिको में FBI एजेंट के किरदार में उन्होंने ग्लोबल फेम दिलाई। इंटरनेशनल लेवल पर उनकी कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की रॉयल वेडिंग में उन्हें इनवाइट किया गया था। प्रियंका ने अमेरिकन सिंगर एक्टर निक जोनस के साथ पिछले साल शादी की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके रिसेप्शन में पहुंचे थे। अब अगर हम 8वें नंबर की बात करें तो शाहरुख खान, किंग खान। जी हाँ, बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में 27 साल पूरे हो चुके हैं। इन दो दशकों से ज़्यादा समय में शाहरुख ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इससे कोई मतलब नहीं बनता कि उनकी फिल्में कितनी फ्लॉप हुई हों या कितनी हिट, उनका स्टारडम हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि यूं ही नहीं उन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। अब मैं अगर 7वें नंबर की बात करूँ तो 7वें नंबर पर हैं बेबाक क्वीन यानी कंगना रनौत। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत देश की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपने दम पर किसी भी फिल्म में जान डाल देती और उसे सफल बना देती। कंगना अपनी बेबाकी के लिए भी खूब जानी जाती हैं। ऐसी थोड़ी उन्हें कोई कहता है बेबाक क्वीन। कंगना के बयानों से बॉलीवुड में खलबली मच जाती है। आए दिन वो विवादों में बनी रहती है। और आपको ये भी बता दूं, बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुकी हैं कंगना। उनकी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है जजमेंटल है क्या, को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव अहम किरदार में दिखेंगे। अब अगर हम 6वें नंबर की बात करें तो 6वें नंबर पर है दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की शांति मस्तानी दीपिका पादुकोण की आखिरी फिल्म पद्मावत थी। इस फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी से साबित कर दिया कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी क्या जगह है। दीपिका की अगली फिल्म मेघना गुलजार की निर्देशन में बनने वाली छपाक होगी। ये फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की बायोपिक है। क्या आप जानते हैं कि साल 2018 में फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में दीपिका ने टॉप 5 में जगह बनाई थी। इस मुकाम पर पहुँचने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अब अगर हम 5वें नंबर पर बढ़ें तो 5वें नंबर पर है रजनीकांत। साउथ के सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत। रजनीकांत का जादू आज भी बरकरार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उम्र कितनी है, क्या उनके स्टाइल में कोई कमी नहीं है। रजनीकांत का जलवा भारत ही बल्कि जापान में भी खूब है। बस कंडक्टर से शुरू हुआ उनका सफर किसी भी इंसान को प्रेरित करने के लिए काफी है। रजनीकांत की फिल्मी धमक का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी फिल्म काला 2.0 और पैठा ने भारत में
100,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए। अब अगर हम चौथे नंबर पर बात करें तो रणवीर सिंह, बैंड बाजा बारात से शुरू हुआ रणवीर सिंह का फिल्मी सफर बेहद शानदार और यादगार रहा है। रणवीर को अपने किरदार की आत्मा में घुसने के लिए जाना जाता है। पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी से लेकर गली बॉय के मुराद तक रणवीर ने हर एक रोल को शिद्दत से अदा किया है। आपको बता दूं कि रणवीर अब फिल्म त्रासी में नजर आएंगे। ये पूर्व कप्तान कपिल देव की बायोपिक फिल्म होगी। अब अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पर हैं SS राजामौली। साउथ इंडियन फिल्मों में अपने निर्देशन की क्षमता से जान फूकने वाले फिल्म मेकर SS राजामौली की काबिलियत का लोहा भारत ही नहीं बल्कि कई देश मान चुके हैं। उनकी फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 ने वह कमाल करके दिखाया है जो बॉलीवुड फिल्में करने का ख्वाब देखती हैं। इन फिल्मों ने कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए। साल 2016 में राजामौली को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान में नवाजा गया था। अब अगर दूसरे नंबर में आए तो भाई जान, जी हाँ, सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का आज भी जादू बरकरार है। आज भी वो यंग जनरेशन के कलाकारों को सीधी टक्कर देते हैं। बॉक्स ऑफिस पर भाईजान का कोई तोड़ नहीं है। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक भाईजान ने किसी ना किसी तरह अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई हुई है। दबंग खान रियलिटी शो बिग बॉस को होस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, सलमान द कपिल शर्मा शो और नच बलिए को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। सलमान की आखिरी फिल्म भारत ने 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अब उनकी अगली फिल्म दबंग 3 है जो इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। अब आप सब सोच रहे होंगे पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर करण जौहर है। भारत के सबसे प्रभावशाली सेलेब्स में फिल्म मेकर करण जौहर नंबर 1 पर है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और चैट शो के होस्ट करण मल्टी टैलेंटेड शख्स है। करीब 20 साल के फिल्मी करियर में करण जौहर ने कई दमदार फिल्में बनाई तो तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। करण को नए टैलेंट और स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में शाहरुख ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिन दो लोगों का जिक्र किया था उनमें एक नाम करण जौहर का भी था। उम्मीद करती हूं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं जानती हूं मेरे बिना बताने से पहले ही आपने काफी सारे स्टार्स के बारे में सोच लिया होगा। जानती हूं कि शायद कुछ स्टार्स उस लिस्ट में ना हो, लेकिन अपना दिल मत छोटा करिएगा। अगर कोई भी बात है और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी। बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।